गुड मॉर्निंग आपका दोस्त है सुनील। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। रोज की तरह एक बार फिर एक नया मोबाइल में स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। ये मोबाइल जो है स्पेशली रिसेंटली में लॉन्च होने वाला है, किस प्राइस के साथ होने वाला है, क्या कैमरे मिलने वाले हैं, कितने कैमरे मिलने वाले हैं एंड किस डेट पे लॉन्च होगा, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मोबाइल के अंदर या यूं कहें कि इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइज मेरा नाम है सुनील। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपकमिंग मोबाइल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे रोज मिलती रहे कि कब कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा, ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। गाइज आज जो मैं मोबाइल लेके आया हूँ स्पेशली, ये जो मोबाइल है ये है ओप्पो की कंपनी का। ओप्पो ने हर मंथ यू कहें एक ना एक सीरीज इसकी क्यू में लगी रहती है लॉन्चिंग के लिए, और ओप्पो की काफी सारी ऐसी सीरीज है जो कि रिसेंटली में बैक टू बैक लॉन्च हो रही है। कई बार ओप्पो ने यह भी किया है कि जैसे लास्ट मंथ में आप उसने बैक टू बैक अपनी दो सीरीज लॉन्च करी, नेक्स्ट मंथ भी सीरीज लॉन्च होनी है, इस मंथ भी इसकी दो से तीन दिन बाद एक सीरीज लॉन्च होनी है। ठीक है, कौन सी होनी है इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके मैंने ऑलरेडी सब पे वीडियो क्रिएट करके। ठीक है, ये जो मोबाइल है गाइज आज ये है ओप्पो A17, ओप्पो A17 5G मोबाइल है, 5G लॉन्च नहीं हुआ है, 3G 4G 5G को ये मोबाइल सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, मोबाइल का करते हैं प्री रिव्यू, किस प्राइस के साथ, किस फीचर्स के साथ, क्या क्या इसमें मिलने वाला है। तो गाइज देखिए, सबसे पहली चीज जो है इस मोबाइल के अंदर आपको एंड्रॉइड V11 के साथ ही आपको यहाँ पे मोबाइल मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, MediaTek Helio का P35 यहाँ पे आपको मिलेगा इस मोबाइल के अंदर, जो कि इसका सॉफ्टवेयर है, जो कि सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। ठीक है, ऑक्टा कोर मिलेगा, 4G रैम मिलेगी इस मोबाइल के अंदर आपको, 4G रैम बहुत होती है, इवन अगर हम बात करें तो काफी होती है गाइस 4G रैम आपकी, साल दो साल में फिल भी नहीं होती, फिल की बात करें अगर फुल हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले की बात करेंगे गाइस यहाँ पे 16.51 सेंटीमीटर की मोबाइल की स्क्रीन मिलेगी, जो कि एवरेज साइज है, मोबाइल को आप कभी भी अपनी पॉकेट में रखेंगे अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला है। एंड IPS LCD की मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे मिलने वाली है, सबसे प्लस पॉइंट आपका यह है। यहाँ पे बात करें मोबाइल के अंदर कैमरे की, तो टू टाइप कैमरे मिलेंगे, रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा। कुछ लोगों का इसमें एक क्वेश्चन भी था कि इसमें फ्रंट कैमरा नहीं आता, अरे भाई ये रूमर मत फैलाया करो, आज के डेट में ऑलमोस्ट जितने भी मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं सब में बैक एंड फ्रंट कैमरा आ ही रहा है, सेल्फी तो चाहिए ना हर किसी को। तो रियर कैमरे के अंदर आपको तीन टाइप के कैमरे मिलेंगे, यहाँ पे जो मैन कैमरा मिलेगा जो वाइड एंगल कैमरा बोलते हैं वो 16 MP का मिलेगा, बाकी दो कैमरे 2 MP के मिलेंगे जो कि माइक्रो एंड डेप्थ कैमरा होता है। बात करेंगे और क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, फुल HD मोबाइल होगा, LED फ्लैश मिलने वाला है, 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है। फ्रंट कैमरे की बात करेंगे गाइस यहाँ पे तो हम 8 MP का यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, LED फ्लैश मिलेगा, फुल HD होगा, 30 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी फ्रंट से भी, यानी बोथ साइड सेम फंक्शन मिलने वाले गाइस यहाँ पे। मोबाइल की स्क्रीन ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, मोबाइल काफी पतला मिलने वाला है, ये भी नहीं है कि भाई काफी मोटा मोबाइल मिल रहा है। एक चीज और बता देता हूँ, काफी बजट का मोबाइल है, अफोर्डेबल प्राइस पे मोबाइल मिलेगा, झंझट खत्म है कि मोबाइल ऐसा है वैसा है कैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे गाइस। बैटरी की बात करेंगे यहाँ पे तो 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा था कि 5000 mAh की बैटरी है, वो चेंज हो गया है, अब इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी यहाँ पे मिलने वाली है। USB-C पोर्ट पे आपको चार्जर मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 45 मिनट के अंदर आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज करने वाला है। गाइज जनरली बात करेंगे टू टाइप सिम आप इसके अंदर यूज कर पाओगे, सेम कंपनी के अदर कंपनी के, नो इश्यू, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। 64 GB के मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज होगी, अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहें बढ़ाना चाहें तो गाइज आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज कीजिएगा और 1 TB तक ही 256 GB तक इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मोबाइल का प्राइस क्या जाने वाला है। अभी तक इस मोबाइल का जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है वो 13,990 रुपये, यानी 14,000 रुपये के अराउंड इसका एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना इसका प्राइस जा सकता है। लेकिन मैं आपको जहाँ तक बताऊँ मेरा जितना एक्सपीरियंस बोलता है ये मोबाइल आपको अंडर 12,000 मिल जाने वाला है। प्री बुकिंग में जब भी मोबाइल आएगा तो वहां पे भी 1,000-1,500 रुपये कम हो जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद ये आपको 10-10,500 रुपये के अंदर ये मोबाइल गाइस मिलने वाला है। कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ भी आप स्पेशली मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मैं इसमें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, लॉन्च कब होगा, मेन चीज है लॉन्च कब होगा मोबाइल। ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया, फैसिलिटी सारी मोबाइल के अंदर मिल चुकी है, तो ये लॉन्च कब होगा। तो गाइस मैं इसमें बता देता हूँ आपको, जो मोबाइल है नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाला है,
ये आपको 15 से 20 तारीख के बीच, या ऑलमोस्ट अगर हम ऐसा मोटा मोटा समझे तो ये अप्रैल के मिड में आपको लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा मार्केट में। लॉन्च होने के एक हफ्ते के बाद ये आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा स्टोरेज स्टोर वगैरह पे भी, क्योंकि अभी जो मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं वो प्री बुकिंग में लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर उनके बाद में निकलता है। तो गाइस ये था मोबाइल ओप्पो A17 का, 5G मोबाइल है, 5G को सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग रूमर फैला रहे हैं कि ओप्पो के जितने मोबाइल आ रहे हैं वो 5G को सपोर्ट नहीं करे। भाई 5G लॉन्च ही नहीं हो तो सपोर्ट कहाँ से करेगा, अभी पहले लॉन्च होने दो, फिर देखो आप सपोर्ट करता है नहीं करता। और कंपनी तो खुला बोलते हैं 5G सपोर्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतनी था, वीडियो से लेके मुझसे लेके मोबाइल से लेके व्हाटएवर जो भी है, आप जो भी क्वेश्चन है आपसे ड्रॉप कर सकते हैं, यानी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, स्पेशली रिप्लाई कर दूंगा। और किस पे वीडियो बनानी है अगली, ये भी आप लोग मेरे को बता सकते हैं स्पेशली कि आप किस मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। वीडियो अब तक आपने यहाँ तक देखी सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब वीडियो को लाइक इस तरीके से निजाम हो लाइक कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना, फैमिली का। ओके बाय।